ये 50s का बना हुआ था और उसके बाद 2008 से इसको अनसेफ डिक्लेयर किया हुआ, इस पर ट्रैफिक चल नहीं रहा था। तो ये ब्रिज जो है अब खड़ा था यहाँ पे, तो इसको पेडेस्ट्रियंस यूज़ कर रहे थे, लेकिन खुदा का शुक्र है कि रात को जब ये रात के अंधेरे में हुआ, जिस वक्त कोई यहाँ चलने वाला इस पर नहीं था, और ये ब्रिज डैमेज हो गया, कोलैप्स हो गया। इसका एक जो पायर है वो जो है वो केविन कर गया, तो जिससे ब्रिज जो है कोलैप्स हो गया। तो अभी बारिश वगैरह जो हर तरफ हो रही है, मॉडरेट बारिश का जो है वो मॉडरेट और इंटरमिटेंट बारिश का जो है वो फोरकास्ट है, तो उससे पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि आपको पैनिक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तरह से जाको चौबंद है, अलर्ट है, और हमारी सारे डिपार्टमेंट के लोग, इरिगेशन हो, R&B हो, रेवेन्यू हो, सभी मुतहरिक हैं, PNG के लोग हैं, और वो अपनी अपनी जिम्मेदारी जो है वो अपने अपने स्पॉट्स पे निभाएंगे। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, कोई भी सूरत हाल जो होगी उससे निपट। क्या लोगों के लिए कोई हेल्पलाइन जारी की हुई है इस बार? उनके लिए हमने तो ये कई दिन से, क्योंकि श्रीनगर में पानी थोड़ा सा भरा था, तब से ही पूरी ज़िला इंतज़ामिया और स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन मुतहरिक है, तो हमने एक कंट्रोल रूम यहाँ बनाया हुआ है, जिसको हमने जो है वो पब्लिसाइज भी खूब किया है, लोगों को जानकारी भी दी है, हम भी अवेलेबल हैं। तो हम लोगों से यही कहेंगे कि वो मुतमइन रहें, ऐसी कोई भी सूरत हाल, मतलब ऐसा कोई भी कोई फोरकास्ट नहीं है कि जिससे घबराने की ज़रूरत हो। तो अभी सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल।